बिग बॉस 16 के इनिशियल स्टेज पे ही अब्दुल रोजिक को अपनी क्यूटनेस और इनोसेंस से ऑडियंस के अटेंशन ग्रैब कर ली। पर क्या आपको पता है कि अब्दुल रोजिक को कितना बुली किया गया है? आज हम आपको कहानी सुनाएंगे अब्दुल रोजिक की। अब्दुल रोजिक एक ताजिक सिंगर है जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सिंगर के टाइटल में बना ली है। अब्दुल अपने ताजिक रैप सॉन्ग ओई दिली जोर के लिए काफी फेमस है। अब्दुल रोजिक का रियल नेम साबिदुल मोहम्मद रोजिक है। उनका जन्म 3 सितंबर 2003 में पंजाब के ताजिकिस्तान में हुआ था। अब्दुल एक फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब उन्हें रिकेट्स की बीमारी डायग्नोस हुई तब उनके फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज करा पाए। इसी लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से उनकी हाइट पर इफेक्ट पड़ा। 16 साल की उम्र में अब्दुल का वेट सिर्फ 12 kg था। जब अब्दुल रोजिक ने सिटी दुशानबे शिफ्ट करा तब उन्हें तजिक ब्लॉगर और रैपर बैरोन मिले जिन्होंने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। बैरोन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अब्दुल के टैलेंट को पहचाना और अब्दुल के पिता को उनके म्यूजिक में करियर बनाने की परमिशन देने के लिए मनाया। बैरोन ने अब्दुल का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जिसे पता चला कि अब्दुल की हाइट 40 से 50 cm बढ़ सकती थी। अपने यूनिक तजिक रैप के स्टाइल की वजह से अब्दुल ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करी। अब्दुल का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम अवोल्ड मीडिया है। वहाँ अब्दुल के करीब 5,90,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब्दुल ने हसबुल्ला मोगोदेबो एके मिनी खबीब के साथ अपनी फाइट से भी काफ़ी रिकॉग्निशन हासिल करी। अब्दुल ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है। उन्होंने बताया कि उनके पास रहने के लिए एक ढंग की जगह तक नहीं था। जहाँ वो रहते थे वहाँ वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने बताया जब उनके काम को थोड़ी रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुई तब उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए एक टिपिकल घर लिया। अब वो चाहते हैं कि वो और अच्छे से काम करके अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर लेकर दे सके। अब्दुल ने बताया कि उनके स्कूल में उनके हाइट की वजह से काफ़ी बुली किया जाता था। उनकी टीचर्स तक अब्दुल को पढ़ाना वेस्ट ऑफ टाइम समझती थी। इसी वजह से अब्दुल एक फॉर्मल एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाए। बिग बॉस के प्रीमियर में सलमान खान ने बताया कि अब्दुल उनकी नेक्स्ट मूवी किसी का भाई किसी का जान में दिखाई देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब्दुल ने एक छोटे से घर से बिग बॉस के घर तक का सफ़र पार कर लिया है। हमें अब्दुल से सीखना चाहिए कि हमें अपनी शॉर्ट कमिंग्स को अपनी फेलियर्स का बहाना नहीं बनाना चाहिए और मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।